यार पंगा हो गया वहाँ बच्चों का। देखो तो यार अभी ना कपड़े से थोड़ा सा साफ कर दिया इसको, आप देख सकते हो पहले कितना गंदा था ना, और ये थोड़ा साफ हो चुका है। अब इसके बाद मारेंगे क्लीनर अंदर। पिकअप ना बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया है वो, शायद से ना अंदर कचरा वगैरह घुसा हुआ है। कहाँ थी तू अब तक? कहाँ थी तू अब तक? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार अभी मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के पास ना। हम लोग जा रहे थे नरवाल, जैसे कि पिछले कल आपको मैंने बताया हम कल जाएंगे नरवाल। तो अभी जल्दी जल्दी निकले घर से, पता है मैंने कहा विशु जल्दी चल, लेट हो रहा है काफी ज्यादा, नरवाल जाना है। और यहाँ पे आए ना, गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी मेरी। पिछले किलो लाइट ना ज्यादा नहीं, मतलब 15-20 मिनट के लिए ऑन रही थी, आधा घंटा ज्यादा ज्यादा। बढ़िया, देखो सेल्फी नहीं उठाई। अब देखते हैं यार, या फिर धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। और यहाँ पे बता आपको धक्का देने के लिए भी जगह नहीं है, और हम हैं सिर्फ दो बंदे, कुछ तो करेंगे। पहले इसको ना स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको मैं। अब यार अब मैंने और विशु ने बता आपको धक्का देके ना पूरी गाड़ी को यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि गाड़ी को धक्का देके ना यहाँ तक ले जाएंगे, बट यहाँ तक ये सिर्फ, उसके बाद गली खत्म है, रिवर्स लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मच बेटर कि गाड़ी को धक्का देके मेन रोड तक ले जाए और वहाँ से नीचे को जाके स्टार्ट कर ले। सांस ना काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई यार, क्योंकि दो बंदे हैं। फाइनली मैंने गाड़ी ना रिवर्स में स्टार्ट कर ही दी है, बताया इसको। बहुत मेहनत लगी यार, बहुत मेहनत। इसकी देखो सांसें चढ़ गई है ना, प्यास लग गई उसको। रात को लाइट सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ना आधे घंटे के लिए ऑन रही थी, वो भी ब्रेक लाइट, और बैटरी आप देख सकते हो एकदम डेड हो गई है। थोड़ी देर इसको ना गर्म करते हैं और बैटरी चार्ज होने देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली निकलते हैं यहाँ से नरवाल और आज का दिन करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। मैंने ना गाड़ी स्टार्ट ही रखी हुई है और मैं आ चुका हूँ एटीएम में कैश निकालने के लिए। कैश फिर से खत्म हो गया, कैश मेरा निकल चुका है। और यहाँ से निकलेंगे अब हम पेट्रोल पंप। अभी ना मैं आ चुका हूँ पेट्रोल डालने के लिए, और मेरे को ना बार बार पता है हॉटस्पॉट लेना पड़ता है, किस गूगल पे यूज़ करना है ना, सिम में तो मेरे नेट है नहीं। आज ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है ना, हम लोगों को अराउंड आधा घंटा हो गया ना, अराउंड आधा घंटा हो चुका है मैं ट्रैफिक में ही फंसा हुआ हूँ बुरे हाल से। आज पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक है, बोलते हैं ना जिस दिन जल्दी होती है ना उस दिन जल्दी नहीं पहुँचते। यार अभी ना विशु ने मेरे को बोला कि इस साइड वाला शीशा नीचे खोल। जैसे मैंने शीशा नीचे खोला ना, बाल देख सकते हो आप साइड से, मेरे पूरे बाल उड़ गए पता है। यही रीजन है मैं ना शीशा नहीं खोलता हूँ, बाल सारे उड़ जाते हैं मेरे। एक तो अभी यार ऊपर से लंबे नहीं, साइड वाले छोटे हैं मेरे, अभी लंबे कर रहा हूँ मैं, तो अभी लगेंगे 3-4 महीने लगेंगे लंबे होने में। विशु ने मेरे को पता नहीं कहाँ से घुमा के लिया है, बोलता यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे, और यहाँ ट्रैफिक देखो। शीशे चेकआउट कर रहे हो, चेकआउट कर रहे हो आप? आगे से लेके ना पीछे तक बुरे हाल से लाइन लगी हुई है। मेरे को लग रहा है ना पिछले कल हमारा काम हुआ नहीं, पिछले कल पूरे दिन हम बैंक में ही थे ठीक है, और आज पूरा दिन मेरा ट्रैफिक में जाने वाला है। यार देख रहे हो लोग हॉर्न कैसे बजा रहे, सारा ट्रैफिक पता है कहाँ से लग रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। सारा ट्रैफिक ना यहाँ से लगा हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये देखो। और यहाँ जहाँ हमने जाना है वो बिल्कुल खाली। अभी पहुँच तो चुका हूँ नरवाल ना, एक्चुअली पहले मैं पता है गलत जगह चला गया था, बट रमनदीप भाई का फ़ोन आया, उन्होंने इनको कॉल किया हुआ था, अब मैं सही जगह आ गया। और ना अभी मेरा इंजेक्टर चेक कर रहे हैं, अभी गाड़ी पूरी चेक कर रहे हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है पिकअप की। बीच बीच में ना हल्की सी मिसिंग भी आ रही है, पता नहीं किस वजह से। एक तो मेरे को लगता है थ्रॉटल बॉडी भी साफ करने को, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं मिट्टी भी है। भाई बोल रहे हैं अभी ना कि एक राउंड मार के आ जाओ, तो देखते एक चक्कर मार के कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। वैसे किया तो कुछ नहीं ना, आगे से हिलाया शायद से कुछ, तो फिर भी एक बार राउंड मार के आते हैं। तो यार भाई ने अभी हम लोगों को यहाँ कहीं भेज दिया आगे, लूकस नाम है का बंदे का, उसके पास जाओ। हमारे ना चक्कर ही लग रहे हैं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, ढूंढते हैं लूकस भाई को। अभी ना वहाँ से मैं आ चुका हूँ वापस, यहाँ पे इंजेक्टर ना भाई खोलेंगे यहाँ पे, और उन्होंने बोला हुआ है कि एक इंजेक्टर साफ करने का भी उतना ही रेट है, और चार इंजेक्टर साफ करने का भी उतना ही रेट है, तो बेटर है मैं चारों ही कराऊँ, जो पैसे मैंने पूरे देने हैं। तो अभी खोल रहे हैं मेरे इंजेक्टर, चारों ही खोलेंगे हम, उसके बाद देखते हैं थ्रॉटल बॉडी भी साफ करानी पड़ेगी। आप लोगों को ये दिख रहा है अंदर थ्रॉटल बॉडी के अंदर मिट्टी, देखो कैसी है। मैं तो सोच रहा था साफ कराऊंगा, बट भाई बोल रहे हैं ना क्लीनर आता है ना, जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर नहीं आता स्प्रे, वो मारो अंदर साफ हो जाएगा। ये होते हैं इंजेक्टर यहाँ को जिप्सी में, इंजन भी साफ कराने को गया है। आज ना यार दौड़ाई हो रही है पता है, वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ। भाई ने फिर से इंजेक्टर तो दे दिया मेरे को, और साथ में ना इंजेक्टर का मेरा एक रिंग नहीं था, ये होता है छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये रिंग ना, एक जो इंजेक्टर काम नहीं कर रहा था ना उसमें रिंग ही नहीं था, तो जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी ना वो उस रिंग की वजह से है। तो अभी देखते हैं इन्होंने वहाँ पे भेजा हुआ है, अगर रिंग मिलता है वहाँ पे। इंजेक्टर हो चुके हैं बिल्कुल क्लीन, बट ना इनके पास रिंग नहीं मिल रहे थे, ये जो आपको रिंग दिख रहा है ना। तो अभी देखते हैं, इन्होंने आगे बोला हुआ है मेरे को मारुति की शॉप है कहीं पे, वहाँ पे जाके रिंग ढूंढो। तो एक बार भाई के पास चलते हैं, पर है ना उनको दिखाते हैं, देखते हो क्या बोलते हैं। इतनी देर से लेके हम लोग ना ये रिंग ढूंढ रहे थे ना, तो अभी भाई की नज़र बहुत तेज है पता है, इनको ना वहाँ मिल गया है। बाकी काम तो हो चुका है ना, बस अब इंजेक्टर फिट कर रहे हैं, फिटिंग के बाद देखते हैं। यार मेरे को लग तो रहा है कि पिकअप बढ़ जाएगा मेरी गाड़ी का, भाई भी बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगा पिकअप। फिल्टर निकल गया फिर से, देखो ये लगाना पड़ेगा मेरे को। काम हो चुका है ना, एक बार टेस्ट राइड मार के आते हैं, इसको बंद कर दे।
देखते हैं पिकअप बड़ा है कि नहीं बड़ा है। मैं ना इतनी देर से लेके भटक रहा हूँ एक बॉटल के लिए भाई, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर के लिए, और मेरे को ना 15-20 मिनट हो गए, मैं सही दुकानें सर्च मार ली बट कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और आपको पता है क्या, इंजेक्टर का काम हमने किया है ना, बट पिकअप फिर भी वैसा ही है मेरा, इंजेक्टर क्लीन करके भी कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा है। अब देखते भाई, बोल रहे थ्रॉटल बॉडी क्लीन करो, उससे हो जाएगा शायद से। इस चीज़ के लिए मैं भटक रहा था इतनी देर से लेके, पता है आपको, मिल गई फाइनली। और सस्ती है, 150 रुपीज़ की है। अभी ना कपड़े से थोड़ा सा साफ कर दिया इसको, आप देख सकते हो पहले कितना गंदा था ना, और ये अब थोड़ा साफ हो चुका। अब इसके बाद मारेंगे क्लीनर अंदर। यहाँ से मैं हो चुका हूँ फ्री। पिकअप ना बढ़ गया, अब थोड़ा सा बढ़ गया है, वो शायद से ना अंदर कचरा वगैरह घुसा हुआ है मेरे, उस वजह से पिकअप कम था। तो अभी निकलेंगे यहाँ से। आज पता नहीं क्या हो गया ना, मैं सीरियसली ना ट्रैफिक से पता है बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया हूँ। अब देख सकते हो, अब घर जा रहा था मैं, फिर से ट्रैफिक लग गया, और ऐसी जगह लगा जहाँ पे लगता भी नहीं था। यहाँ पे ना इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, देख सकते हो आप, इतनी देर से लेके हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ना, इसकी वजह से ट्रैफिक में फंसे। यार पंगा हो गया हूँ बच्चों का, देखो बुरे हाल से मार रहे एक दूसरे को यार। ओ भाई स्ट्रीट फाइट, यहाँ पे ना एक्चुअली स्कूल है, वहाँ से निकले और यहाँ बाहर आके लड़े। यार अभी ना घर पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं फ्लैश लाइट लगा के, पता है हाथ में मैंने ऐसे फ़ोन पकड़ा हुआ है, और फ्लैश लाइट लगा के मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। देख सकते हो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने सोचा था लाइट आएगी फिर मैं ब्लॉग एंड करूँगा, बट ऐसे ही ब्लॉग एंड करना पड़ेगा मेरे को। तो आज के दिन कुछ इंटरेस्टिंग तो मैंने किया नहीं है यार, गाड़ी का काम कराने के लिए गया हुआ था, तो काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है वो देखेंगे बाद में कराएंगे। तो आज की इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड, और मिलता हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।